प्यारे बच्चों, आज हम सातवीं क्लास की इंग्लिश की बुक हनीकॉम की सेकंड पोयम द रेबल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पोयम है द रेबल, वो डीजे एनराइट ने लिखी है। किसने लिखी है? डीजे एनराइट ने। अब आपके स्क्रीन पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, आप इन्हें याद कर लें और नोटबुक में लिख लें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस पोयम के टाइटल को समझते हैं। इसका टाइटल है द रेबल। अब द रेबल का मतलब क्या होता है? द रेबल होता है विद्रोही। विद्रोही यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी बात को टालता है, टाल मटोल करता है, आपकी बात के अगेंस्ट जाता है, यानी विद्रोह करता है। आप जब उस व्यक्ति को सही सलाह दोगे तो वो गलत काम करेगा, आप गलत सलाह दोगे तो सही काम करेगा, यानी आपकी कही गई बात के बिल्कुल अपोजिट काम करेगा, बिल्कुल अगेंस्ट काम करेगा, वो होता है रेबल। आई थिंक आपको टाइटल समझ में आ गया होगा, द रेबल, विद्रोही, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा उल्टे काम करता है। अब इस पोयम में आपको ये बताया गया है कि द रेबल यानी ये जो विद्रोही है वो कौन कौन से उल्टे काम करता है। जो लोग सही काम करते हैं तो वो उनके अपोजिट काम करता है। चलिए पढ़ते हैं द रेबल की करेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं, देखते हैं क्या क्या होती है। सबसे पहला स्टैंजा देखते हैं। When everybody has short hair, जब सबके बाल छोटे होते हैं। The rebel lets his hair grow long, तो विद्रोही अपने बालों को लंबा होने देता है। किया ना अगेंस्ट काम, जब लोगों के छोटे बाल होते हैं तो ये अपने बाल जो है लंबे कर लेता है। When everybody has long hair, जब हर किसी के लंबे लंबे बाल होते हैं। The rebel cuts his hair short, ये जो विद्रोही है अपने बाल छोटे करवा लेता है। बिल्कुल अलग काम करता है, अगेंस्ट काम करता है, यानी लोगों के बाल छोटे हैं तो लंबे कर लेगा और लोगों के बाल लंबे हैं तो ये छोटे कर लेगा। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। When everybody talks during the lesson, जब हर कोई कक्षा के दौरान बात करता है। जब पढ़ाई चल रही होती है तो जब हर कोई बात करता है। The rebel doesn't say a word, ये जो विद्रोही है कुछ भी नहीं बोलता। When nobody talks during the lesson, जब कोई भी लेसन के दौरान बात नहीं करता। द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, ये जो विद्रोही है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, परेशानी कर देता है, शोर शराबा कर देता है। ये भी उल्टा काम किया, यानी जब क्लास के दौरान हर कोई बात करता है तो ये चुप बैठता है और जब हर कोई चुप होता है तो ये शोर शराबा करता है। बिल्कुल उल्टे काम करने वाला है ये रेबल। तीसरा स्टैंजा देखते हैं। When everybody wears a uniform, जब हर कोई वर्दी डालता है। द रेबल ड्रेसेस इन फैंटेस्टिक क्लोथ्स, ये जो विद्रोही है ड्रेस डालता है कैसी? फैंटेस्टिक, रंग बिरंगी ड्रेस डालता है, भड़कीली ड्रेस डालता है। जब हर कोई वर्दी डालता है तो ये भड़कीली ड्रेस डालता है। When everybody wears fantastic clothes, और जब हर कोई रंग बिरंगे क्लोथ डालता है, रंग बिरंगी ड्रेस डालता है। The rebel dresses in soberly, ये जो विद्रोही है वो बिल्कुल सादे कपड़े डालता है, सिंपल कपड़े डालता है, अगेंस्ट काम करता है, यानी जब हर कोई वर्दी डालेगा ये रंग बिरंगे कपड़े डालेगा। जब हर कोई रंग बिरंगे कपड़े डालेगा तो विद्रोही क्या डालेगा? सिंपल कपड़े डालेगा। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, जब बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जिनको कुत्ते पसंद होते हैं, जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं। द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स, ये जो विद्रोही है वो बिल्ली से प्यार करता है, कुत्तों से प्यार नहीं करता, ये बिल्ली से प्यार करता है, बिल्ली इसको अच्छी लगती है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और जब ऐसे लोगों के बीच में होता है ये जिन लोगों को बिल्ली पसंद है, तो ये क्या करता है? द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड ऑफ डॉग्स, तो ये तारीफ करता है कुत्तों की, यानी कुत्तों से प्यार झलकाता है कि इसको कुत्ते बहुत पसंद है, बिल्कुल अगेंस्ट काम करता है, यानी जिन लोगों को कुत्ते पसंद हैं उनको ये पसंद नहीं करता, तब कहता है कि मुझे बिल्ली पसंद है, और जिन लोगों को बिल्लियाँ पसंद है तब कहता मुझे बिल्ली पसंद नहीं, मुझे कुत्ते पसंद हैं। बिल्कुल उल्टे दिमाग का है द रेबल। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। अगला स्टैंजा देखते हैं। When everybody is praising the sun, जब हर इंसान सूरज की प्रशंसा कर रहा होता है, यानी जब हर इंसान को सूरज की जरूरत होती है। द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, रेबल कहता है हे भगवान सूरज को मिटा, बरसात ला दे, उल्टे काम करता है बिल्कुल। सूरज लोगों को पसंद है तो इसको बरसात पसंद है।
When everybody is greeting the rain, जब हर कोई हाथ जोड़ के विनती करता है कि हे भगवान बारिश आ जाए, बारिश का स्वागत करता है जब हर कोई, तो the rebel regrets the absence of sun, तो ये विद्रोही कहता है कि सूरज क्यों नहीं निकला, वो पश्चाताप करता है, दुख महसूस करता है कि ये सूरज क्यों नहीं निकला, बिल्कुल अपोजिट काम करता है, जब लोगों को सूरज पसंद है, तो इसको बारिश पसंद है, जब लोगों को बारिश पसंद है, तो इसको सूरज पसंद है, बिल्कुल उल्टे दिमाग का है, the rebel, समझ में आ गया, हाँ जी आ गया, next स्टैंजा देखते हैं, when everybody goes to the meeting, जब हर कोई सभा में जाता है, हर कोई मीटिंग में जाता है, the rebel stays at home, ये rebel विद्रोही आदमी घर पे रुकता है, and reads a book, और एक किताब पढ़ता है, जब हर कोई मीटिंग में जाता है, तो ये घर पे रुक के किताब पढ़ता है, when everybody stays at home, और जब हर कोई घर पे रुकता है, and reads a book, किताब पढ़ता है, the rebel goes to the meeting, ये विद्रोही आदमी, उल्टे काम करने वाला आदमी, वो मीटिंग में जाता है, किया ना उल्टा काम, है ना उल्टे दिमाग का, बिल्कुल उल्टे दिमाग का है इस स्टैंजा से हमें पता चला जब हर कोई मीटिंग में जाता है घर पे रुकता है किताब पढ़ता है और जब हर कोई घर पे रुक के किताब पढ़ता है तो ये मीटिंग में जाता है समझ में आ गया बिल्कुल आ गया जी समझ में आ गया चलो मास्टर जी ठीक है जी आगे बढ़ते हैं सातवां स्टैंजा देखते हैं व्हेन एवरीबॉडी सेज यस प्लीज जब हर कोई कहता है हाँ जी कृपया जब हर कोई कहता है द रेबल सेज नो थैंक यू रेबल कहेगा विद्रोही आदमी कहेगा जी नो थैंक यू ना जी बहुत बहुत धन्यवाद जब हर कोई कहेगा यस प्लीज तो रेबल कहेगा नो थैंक यू व्हेन एवरीबॉडी सेज नो थैंक यू जब हर कोई कहता है कि नो थैंक यू नहीं धन्यवाद जब हर कोई कहता है द रेबल सेज यस प्लीज रेबल कहता है कि हाँ जी कृपया यस प्लीज कहता है उल्टा चलता है हर कोई कहता है यस प्लीज ये कहेगा नो थैंक यू हर कोई ये कहता है नो थैंक यू तो ये कहेगा यस प्लीज इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स और ये तो भगवान का शुक्र है हमें धन्यवाद देना चाहिए भगवान का कि हमारे आस पड़ोस में रेबल हैं विद्रोही हैं उल्टे काम करने वाले हैं क्योंकि यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन क्योंकि आप अगर विद्रोही बन जाओगे आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा आप विद्रोही बनकर खुशी महसूस नहीं कर सकते ये तो अच्छा किया भगवान ने विद्रोही बनाए हैं वो अगेंस्ट काम करते हैं उल्टे काम करते हैं आप अगर बनेंगे हम लोग अगर विद्रोही बनेंगे उल्टे काम करने वाले बनेंगे तो हमें आत्मिक शांति नहीं मिलेगी ये थी आपकी छोटी सी लेकिन बड़ी प्यारी पोयम उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी समझ में आ गई हो तो लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आपका कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा प्यारे बच्चों अब आपके सामने है टेक्सुअल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आप इनको याद भी कर लें और अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लें जब भी स्कूल खुलेंगे आपकी नोटबुक्स चेक की जाएंगी